सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज़ अप एंड स्वागत है एक बार फिर से टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुर। आई एम अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग एट FNMU यूक्रेन। देयर आर सो मेनी पीपल्स ऑन यूट्यूब न्यूज़ चैनल, बहुत से लोग हैं, बहुत से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ऑन यूक्रेन स्टूडेंट्स, दोज हु हैव कम बैक फ्रॉम यूक्रेन, और उन पर फालतू के क्वेश्चन लाइक वो पहले क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए था, ऑल दोज थिंग्स। उन सब चीज़ों का क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई एम मेकिंग सीरीज ऑफ वीडियोज, जिसका ये सेकेंड वीडियो है। इफ़ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो एज ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि 15th February की जो एडवाइजरी थी उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि जिनकी यूक्रेन में फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, जिनकी इसेंशियल नहीं है, वो लोग टेम्पररी बेसिस पे यूक्रेन छोड़ के जा सकते हैं, राइट। सो 16th February को गवर्नमेंट ने एक FAQ लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और उनके आंसर्स रिलीज़ किए थे, ये रहे वो क्वेश्चंस और आंसर। इफ़ आई जूम द मेन पार्ट, तो इसमें आप क्लियरली देखा जा सकता है कि हमारी क्लासेस अब तक ऑफलाइन चल रही है, लाइक 18th, 16th, 20th, मैं तो 23 February तक बोलूँगा हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी। सो बट 16th February में क्लियरली इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिनकी क्लासेस ऑफलाइन है उनसे एडवाइजरी और गवर्नमेंट और एम्बेसी बात कर रही है कि ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सी, यू कैन सी दिस ऑल थिंग हियर। अब बात करते हैं उन लोगों से जो बोल रहे थे कि हम पहले क्यों नहीं आए जब एडवाइजरी आ गई थी। सो दिस इज़ द पॉइंट, एडवाइजरी आई थी 15th February को कि प्लीज़ जिनको इसेंशियल नहीं है वो यूक्रेन छोड़ के इंडिया आ जाए, बट 16th February के FAQ में आप देख सकते हो कि क्लासेस ऑफलाइन चल रही है हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं है, हम क्लासेस ऑफलाइन हॉस्पिटल्स में जा के कर रहे हैं। सो हम कैसे अपनी क्लास छोड़ के, अपना हॉस्पिटल छोड़ के आ सकते हैं? सो प्लीज़, जो भी बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर रहे थे एडवाइजरी आई थी छोड़ के आ जाओ, आए क्यों नहीं, प्लीज़ गाइज चेक इट आउट, ये सारा ऑफिशियल्स में है, आप फेसबुक पे जाके ऑफिशियल पेज पे चेक कर सकते हो। प्लीज़ फालतू में जो यूक्रेन से आए बच्चे उनको परेशान मत कीजिए कि पहले क्यों नहीं आए, आना चाहिए था, एडवाइजरी गवर्नमेंट, पहले देखिए व्हाट इज़ ऑल गोइंग इन, क्या क्या एडवाइजरीज है, देर मस्ट बी अ मजबूरी, नहीं तो 20,000 स्टूडेंट्स आ जाते छोड़ के, क्या ज़रूरत थी उनको अपनी जान जोखिम में डालने की, देर मस्ट बी समथिंग, दैट्स फॉर 20,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टे कर रहे थे। एंड वन मोर थिंग, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने ट्राई नहीं किया, एफर्ट्स नहीं की, जिन्हें जाना था जेन्यूनली जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न थे उन्होंने फ़्लाइट्स कराने की कोशिश की। 16th February की वन मोर एडवाइजरी ये देखिए ऑन द स्क्रीन, इसमें क्लियर लिखा है कि एम्बेसी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू ऑर्गेनाइज मोर फ्लाइट्स, जिनको जाना है उनके लिए ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिनको निकलना है वो प्लीज़ शारजा दुबई जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है उसमें निकलिए। और इसमें आप क्लियरली सेकेंड या थर्ड लाइन में देख सकते हो नॉट रिसॉर्ट टू पैनिक, पैनिक करने की अब तक कोई ज़रूरत नहीं है। वॉट डज दिस एडवाइजरीज मीन्स फ्रॉम एम्बेसी ऑफ कीव, कि पैनिक करने की अब तक ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ना ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, ना ऐसी कोई एडवाइजरी दी कि स्ट्रिक्टली तुम जाओ, और ना ही कुछ ठीक से बता पा रहे थे। सी गाइज, वन थिंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी बच्चों को, या फिर प्रॉपर एडवाइजरी नहीं दी निकलने के लिए, या फिर कोई स्ट्रिक्ट, इतनी स्ट्रिक्ट एडवाइजरी नहीं थी कि बच्चे निकल जाए तुरंत उस चीज़ को सीरियस लेके। सो प्लीज़, जो इंडिया में बैठ के क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ना कि भाई आपको पहले निकलना था या नहीं निकलना था, वो प्लीज़ अपने आप को पूछिए कि अगर ये ऐसी एडवाइजरी रहती, क्लासेस आपकी ऑफलाइन रहती, आप हॉस्पिटल में जा रहे होते, क्या आप उस वक्त यूक्रेन छोड़ के जाते? बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो नॉर्मल अराउंड, किसी को नहीं पता था एक रात में सब कुछ वॉर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा और एकदम सब कुछ चेंज हो जाएगा। सी लुक एट दिस 18th February एडवाइजरी, ये 18th February की एडवाइजरी है, दो दिन बाद, यहाँ पे एग्जैक्टली दो दिन बाद गवर्नमेंट बोल रही है कि हम फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 3 फ्लाइट्स, जिन जिन लोगों को जाना है उनके लिए हम, बहुत ज़्यादा डिमांड है, प्रेशर है, उनके लिए फ़्लाइट्स अरेंज करें, ओनली 3 फ्लाइट्स, 22, 24, 26, एंड ट्रस्ट मी, इस फ्लाइट की प्राइस वॉज 60,000, मिनिमम 60,000, और जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हम कर रहे थे देवर मोर देन 60, 80, 90, आई अटैच सम टिकट्स एट द एंड प्लीज। सो 3 फ्लाइट्स थी, अगर गवर्नमेंट और एम्बेसी को लग रहा था कि सिचुएशन क्रिटिकल है तो फ्लाइट्स 22, 24, 26 की जगह जल्दी कर लेते, 18 के साथ ही 19, 20, 21 कर लेते, और उसके साथ साथ टिकट्स भी तो लो रखते गाइज, किसी को अगर जाना है और बच्चों को अगर सेफली इंडिया पहुँचाना है टिकट्स तो मिनिमम रखते, बिकॉज वन वे टिकट इज़ अराउंड 20,000 वेन वी डू नॉर्मली, और इस टाइम पे 60,000, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि इनको आना ही नहीं था, ये वेट कर रहे थे कि इवैक्यूएट हो, फ्री में आ जाए। नो, मैं बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे टिकट करा भी चुके थे 60,000 की, जिन्हें करानी थी, जिनके पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न थे, बट एक गरीब घर से या फिर मिडिल क्लास से इंसान अगर आएगा वो 60,000 की टिकट करते वक्त सोचेगा ब्रो
वो एक बार तो उसके मन में डाउट आएगा कि 60,000 करानी है नहीं करानी। अगर ओके 60,000 की टिकट है, हम कराएंगे रेडी है, बट एडवाइजरी तो स्ट्रिक्ट दो। एडवाइजरी तो ये बोले कि हाँ आपको निकलना ही है। एडवाइजरी वॉज नॉट सीरियस, टिकट्स वेर सो कॉस्टली। एक इंसान क्यों फिर वो सोचेगा एकदम से निकलने की, जब उसको हालात नॉर्मल लग रहे हैं, एडवाइजरी सीरियस नहीं है, समथिंग एवरीथिंग वॉज वर्किंग सो नॉर्मली। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल द वन थिंग कि बच्चे नहीं निकलने की वजह एडवाइजरी वॉज नॉट सीरियस, टिकट्स वॉज सो कॉस्टली। सो प्लीज़ जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ना, प्लीज़ गेट इन टू दिस थिंग, अंडरस्टैंड द होल सीनैरियो थ्रू आर वे, थ्रू यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के तरीके से सोचो कि क्या एग्जैक्टली उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा था, वो लोग क्या सोच रहे थे। अगेन आई विल से ओनली वन थिंग, किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन पुट हो, कुछ भी सवाल जवाब, कुछ भी पूछना हो, दिस इज माई इंस्टा, यू कैन टेक्स्ट मी देयर, एंड आई एम श्योर अगर किसी को और कुछ डाउट्स होंगे, आई विल मेक मोर सच वीडियोज टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। प्लीज़ यूक्रेन से जो आए बच्चे हैं उनको और पैनिक मत दीजिए, जो बेचारे बच्चे और भी अटके हुए हैं, लेट देम कम फर्स्ट। प्लीज़ प्रे फॉर यूक्रेन, ये वॉर ख़त्म हो जाए। Thank you guys for watching the video.